अच्छा हो चुके। मैं चैनल होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ। जय श्री राम सभी भाइयों को। तो स्वागत करता हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग में, एंड बहुत सारा शुक्रिया आप लोगों को मेरे होली वाले ब्लॉग पे इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। एंड इसी की वजह से मैं आज मोटिवेट होकर मैं एक नया ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ गाइस। तो आज का ब्लॉग शाम को शुरू हो रहा है, एंड ये किसी रीज़न की वजह से शुरू हो रहा है, तो वो रीज़न मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, थोड़ी देर में बताऊँगा। उससे पहले गाइस मेरे को रेडी होना है एंड निकलना है ऑफिस के लिए। एक्चुअली मेरा ऑफिस नहीं, मेरी तो छुट्टी थी, तो आज मैंने सारा काम करा अपना जो भी पेंडिंग वर्क था, एंड इसी की वजह से मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, बट स्टिल मुझे उठ के रेडी होना है। तो गाइस समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, तो मैंने पहनी ब्लैक शर्ट, वाइट शूज एंड ब्लू जीन्स, जो हर अब एक बंदा पहनता है। तो रेडी हो चुका हूँ, दो बार कॉल आ चुका है खुशबू का, एंड पूछ रही है कहाँ पहुँचे। निकल चुका हूँ मैं, द्वारका एक्सप्रेसवे में हूँ, एंड उसका कॉल आ गया था दोबारा से कि अभी तक कहाँ पर हो, एंड मैंने बोला कि मैं रास्ते में हूँ। एंड एक्चुअली उसको पता नहीं है कि ये एक तरीके से सरप्राइज़ है उसके लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बोल रही थी मूवी देखने चलते मूवी देखने चलते हैं, एंड मैं मना कर रहा था। आज भी उसने ये बोला था चलो कल संडे है, एंड कल भी मेरा वर्किंग है, एक्चुअली उसका वर्किंग है बैंक में है ना, तो उसका कल भी वर्किंग है, तो उसने बोला कल तो हम देख नहीं पाएंगे तो आज चलते हैं। तो मैंने बोला उसने पूछा मुझसे एक तरीके से कि आपका मन है, मैंने बोला मेरा मन नहीं है, मैं नहीं देखना चाहता, तो अभी उसके लिए सरप्राइज़ है ये, हम मूवी देखेंगे एंड डिनर भी करेंगे साथ में। वो रास्ते में पहुँच चुका है, एंड ये एक्सप्रेस वे क्या ही तगड़ा एक्सप्रेस वे बन गया गाइस। तो गाइस देखा कितना प्यारा एक्सप्रेस वे था, एंड जहाँ हमें सेक्टर 21 जाने में 20-25 मिनट्स लगते थे, अब हम 10 मिनट में पहुँच जाते हैं अपने घर से सेक्टर 21 के मेट्रो के पास। तो थैंक्स टू दिस एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे। तो अभी पहुँचने वाला हूँ, उसका ऑफिस भी सेक्टर 22 में 21 के पास में, तो एक और बार कॉल ना आ जाए उसका, उससे पहले पहुँचना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं हम? मूवी देखने। हम तो घर जा रहे थे, पर आपने बोला था आज आप मेरे को डेट के लिए जा रहे हो। ओ भाई, जिसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। देखना इसको, मैंने कब बोला ऐसा? अभी बोला था आपने शाम को ना, ऐसे आवाज आई मुझे अंदर से ना, मेरी मन की आवाज ने बोला ऐसे। अच्छा, थोड़ा सा मेकअप हो जाए गाइस, इसने दिल की बात पढ़ ली मेरी, गाड़ी खराब कर दी इस लड़के ने। चलो गाइस निकलते हैं, इसको मेकअप करने दो। क्या बोल रहा था तो कुछ पूछ रहा था मुझसे? हाँ, मैं बोल रही थी आप मेरा डेबिट कार्ड लाए हो। तेरा डेबिट कार्ड? हाँ, हाँ। तो लाया हूँ मैं। क्यों? मेरी तरफ से। क्या आज तेरे तरफ से? हाँ। अच्छा, मैं तेरे दिखा रहा हूँ ना आपको, डेट पे मैं ले जा रही हूँ ना आपको आज। अच्छा, तो मुझे लगा आप मेरा डेबिट कार्ड लाए हो। लाया हूँ, लाया हूँ, क्योंकि गाइस मैंने नीरज का डेबिट कार्ड खो दिया है, तो इसलिए। और नया भी तो ही दिलवाएगी अब। सॉरी की जगह मैं आज मूवी दिखा रही हूँ। हाँ, क्योंकि जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो मेरा है। नहीं सब तेरा। मैं इसको थोड़ा ठीक कर दो। ओए, ये तो गिर गया था पीछे। कौन सी मूवी दिखाने वाला है मेरे को? शैतान। अबे तेरा नाम नहीं पूछा मैंने, मूवी बता। मूवी का नाम ही बताया मैंने, शैतान। वो शैतान देखने जा रहा हूं। लेट्स सी, अभी की नहीं है। मैंने बोला क्या खाना है ये बता, मूवी से पहले इसको खाना है कुछ हल्का। हल्का जैसे? क्या हल्का खाएगा? मोमोज नहीं खाएगा बिल्कुल भी नहीं। उनके पास वो वाले नहीं होंगे आटा वाले? नहीं खाना मोमोज तो बिल्कुल नहीं खाना भाई, कुछ और बता। चाइना में देखते हैं, चाइना में मोमो। नहीं यार, गाइस हम मूवी देख रहे हैं, कौन सी वाली मूवी देख रहे हैं? ज़बरदस्ती देखनी पड़ रही है मुझे। कौन सी मूवी? ध्रुव। और आए थे हम देखने शैतान। शैतान तो देखा नहीं, मतलब क्योंकि टाइमिंग अलग थी शैतान की, 10:15, तो इसलिए हमने क्रू देखने का सोचा। हम देखने का नहीं सोचा एक्चुअली, क्रू देखनी पड़ रही है, तो अभी 8:05 का शो है, तो अभी लेट्स सी वेट कर रहे हैं। मतलब कॉल आया क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से, कहते हेलो, मैं कहा हाँ बोलो, आप पंजाब बंदरी बात कर रहे हो? बंदरी? पहले तो आप मुझे ना भंडारी बोलो, बंदरी नया सर नेम। पहली बार पता चला कि मेरा सर नेम इतना बुरा भी हो सकता है।
प्रेजेंट कर चुके हैं पर अभी स्टार्ट नहीं। तो गाइस इंटरवल हो गया है एंड नींद से उठ चुका हूँ मैं एंड इसको नींद आ रही है। नींद आ रही है, नींद आ रही है, बोल रहे पूरी मूवी देख रही है, नींद आ रही है। गाइस मूवी ख़त्म हो चुकी है एंड हम घर के लिए रवाना होते हुए 10:15 हो चुके हैं एंड इसको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा कि लेट हो गए हम और ये बोल रही है कि कॉल करके पूछो कॉल करके पूछो। तो पता मूवी कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? मुझे ठीक लगी। सोना कितना सोना है। बस तो गाइस निकल रहे हैं हम यहाँ से, काफ़ी लेट हो गया। तो गाइस फाइनली घर पहुंच गए हैं। तो गाइस यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।